ओके क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने गेट और सेट की एग्जांपल दी है। गेट मेथड कैन प्रेजेंट द डेटा इन डिफरेंट फॉर्म्स। जैसे हमने अभी देखा कि हमारे पास सैलरी जो है वो फ्लोट में थी, उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, उसी सैलरी को देखते हुए जो हमारे पास गेट डेजिग्नेशन का मैथड था उसमें डिफरेंट थिंग रिप्रेजेंट करी, जिसमें हम डेजिग्नेशन उस सैलरी के बेसिस पे कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है, फॉर एग्जाम्पल अ ग्रेड क्लास माइट स्टोर अ ग्रेड इंस्टेंस वेरिएबल एज एन इन बिटवीन 0 एंड 100, बट अ गेट ग्रेड मैथड माइट रिटर्न अ लेटर ग्रेड एज अ स्ट्रिंग सच एज ए फॉर ग्रेड बिटवीन 90 एंड 100, बी फॉर ग्रेड बिटवीन 100 एंड 80 एंड 89। ठीक है, तो ये क्या बता रहे हैं कि आपके पास एक ग्रेड की क्लास है जिसमें आपके पास एक ग्रेड की इंस्टेंस फील्ड है जो इनपुट ले रही है ग्रेड के मार्क्स। ठीक है, अभी आप इसको परसेंटेज भी कर सकते हैं, आप चाहें तो उसको फ्लोट रखें या इंट रखें। तो ग्रेड की क्लास है जिसमें हमारे पास ग्रेड की एक इंस्टेंस फील्ड है इंटीजर, जो कि नंबर ले रही है 0 से 100 तक, यानी कि आप उसको सेट करवाएंगे कि इट शुड टेक नंबर फ्रॉम 0 टू 100। तो जब वो 0 टू 100 ले रही है तो उसी के अकॉर्डिंगली हम सेट करवाएंगे, आउटसाइड 0 टू 100 हो तो फिर वो उसको स्टोर नहीं करेगा। मैम मेरी फर्स्ट सेशन की अटेंडेंस रह गई थी नेट की वजह से। तो रह गई, क्या कर सकते हैं। बिलाल बोल रहे हैं। नो मैम, मैं भी ओएस क्लास में था। क्लास में मैं भी था, मेरा नेट डिसकनेक्ट हो गया था मैम। चलें वो मैं लॉग देखूंगी, लॉग में देख लूंगी कि आप लोग कितने टाइम पे तक थे। तो मैं भी क्लास में था, लाइट चली गई थी। हाँ वो मैं लॉग से देख के मार्क कर दूंगी। ठीक है, मैं लॉग देख लूंगी मीटिंग का, फिर उसके अकॉर्डिंग मार्क कर दूंगी। ठीक है, तो यहाँ भी एक सेट और गेट के मैसेज के बता रहे हैं कि हम सेट के लिए फील्ड सेट करवाई और उसी फील्ड सेट के बेसिस पे गेट का मेथड कुछ और भी रिटर्न कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने ग्रेड के एग्जांपल दिए कि वी हैव अ क्लास ऑफ ग्रेड जिसमें आप ग्रेड जो कि फील्ड को आपने क्या रखा है प्राइवेट, और सेट के मेथड के थ्रू आप 0 और 100 की रेंज के अंदर ग्रेड सेट करवा रहे हो। एंड देन यू हैव गेट का जो मेथड है वो क्या करेगा, गेट ग्रेड का मेथड है जो कि जो आपने ग्रेड सेट करवाया उसी के बेसिस पे लेटर ग्रेड असाइन करेगा। अगर वो ग्रेड 90 टू 100 है तो ए देगा, अगर 80 टू 89 है तो बी देगा। ठीक है, तो ये काम जरा आप लोग मुझे करके जरा जल्दी से बताएं कि ये कैसे हुआ। लिखा भी है यहाँ पे और मैंने भी एक्सप्लेन कर दिया, जैसे अभी हमने सैलरी वाला किया उसी तरह ये ग्रेड वाला होगा। ग्रेड की क्लास है जिसमें एक प्राइवेट फील्ड होगी ग्रेड की जो कि इंटीजर वैल्यू ले रही होगी, और सेट के मेथड के थ्रू आप उसकी रेंज देंगे कि ग्रेड शुड बी बिटवीन 0 टू 100। अगर 0 टू 100 के दरमियान है तो आप सेट करवाएंगे ग्रेड, और फिर एक और मेथड बनेगा जो रिटर्न करेगा ग्रेड, गेट ग्रेड। तो गेट ग्रेड जो आपने ग्रेड सेट करवाया 0 से 100 उसकी बेसिस पे लेटर ग्रेड रिटर्न करेगा। तो ये शाबाश, आपके पास 5 मिनट है, जरा मुझे करके बता देंगे कैसे होगा। जिन 3 स्टूडेंट ने सबसे पहले और सबसे सही किया होगा उनके लिए बोनस मार्क्स। दोबारा समझा था मैम, रिपीट बस लास्ट टाइम रिपीट करें, और कोई और ज्वाइन करेगा तो उसके लिए अब दोबारा रिपीट नहीं करूंगी। 2 दफा रिपीट कर चुकी हूं, अब थर्ड टाइम रिपीट करेंगे फॉर द लास्ट टाइम। करना आपने ये है कि एक ग्रेड की क्लास बनानी है जिसमें एक प्राइवेट फील्ड रखेंगे आप ग्रेड की इंटीजर जो होनी चाहिए, और उसमें एक सेट का मेथड होगा जो ग्रेड सेट करे बिटवीन 0 टू 100 के रेंज के अंदर। मतलब अगर यूजर 0 से 100 तक कोई वैल्यू इनपुट दे रहा है तो उसको ग्रेड में स्टोर कर दे, वरना तो स्टोर ना करे। और फिर एक और मेथड हो जो उसी ग्रेड की बेसिस पे, जो इंटीजर ग्रेड है उसी की बेसिस पे लेटर ग्रेड जो है वो रिटर्न करे, कि अगर ग्रेड 90 टू 100 है तो क्या रिटर्न कर दे, ए। अगर जो आपने ग्रेड सेट करवाया है सेट वाले मेथड से 80 टू 100 89 की रेंज में तो बी ग्रेड रिटर्न कर दे। इसी तरह 70 से 80 तक सी, एटलीस्ट 3 लेटर ग्रेड जो है वो रिटर्न करे। अब जो लोग एडमिट कर रहे हैं उनके लिए रिपीट नहीं करूंगी।
ये जो एग्जांपल यहाँ पे गिवन है इसी एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करना है, और ये वैसे ही होगी जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने अभी जैसे करवाई थी। मैंने एम्प्लॉय की क्लास ली थी, उसमें सैलरी वाली फील्ड को फ्लोट रखा था और सेट सैलरी के मेथड से मैं सैलरी सेट करवा रही थी, विच शुड बी अबव 0 से ज़्यादा होनी चाहिए सैलरी, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंगली मैंने गेट डेजिग्नेशन का मेथड रखा था, जो मैंने सैलरी सेट करवाई थी उसी के बेसिस पे डेजिग्नेशन बता रहा था कि अगर सैलरी इतने से ज़्यादा है तो ये डेजिग्नेशन है, अगर सैलरी इस रेंज में तो ये डेजिग्नेशन है। उसी के अकॉर्डिंगली आपने एक और क्लास बनानी है ग्रेड की, जो यूज़र से ग्रेड इनपुट, और उसमें एक प्राइवेट फील्ड होनी चाहिए ग्रेड की, और वो प्राइवेट फील्ड को आप पब्लिक मेथड सेट के मेथड के थ्रू सेट करवाएंगे, एंड इट शुड बी बिटवीन 0 to 100 ग्रेड होना चाहिए। और फिर एक और मेथड होगा गेट ग्रेड का, जो रिटर्न करे कि जो आपने इंटीजर वैल्यू दी है ग्रेड की उसी के बेसिस पे लेटर ग्रेड असाइन करे, कि अगर वो वैल्यू 90 से 100 है तो ए रिटर्न कर दे, अगर जो यूजर ने ग्रेड दिया है वो 80 to 89 है तो बी असाइन कर दे। एक दफा और रिपीट कर दिया, बस अब नहीं करूंगी। जिसमें आपको कन्वीनियंट हो आप कर सकते हैं, मुझे चाहें तो यहाँ चैट पे आप सेंड कर दें, चैट पे सेंड कर दें करके स्ट्रक्चर बना के प्राइवेटली सेंड कर दें। जिन चलो जिन 5 स्टूडेंट्स ने पहले और सही करके दिया उनके लिए बोनस मार्क। जी उजरा टास्क मिला है और मैं अब रिपीट नहीं करूँगी, मैं 4 दफ़ा रिपीट कर चुकी हूँ। ये जो एग्जांपल गिवन स्लाइड में शो हो रही है इसको आपने इम्प्लीमेंट करना है। ग्रेड की क्लास बनेगी, एक प्राइवेट फील्ड होगी जो ग्रेड इनपुट ले रहा होगा यूजर से, जिसकी रेंज ये होनी चाहिए और जो सेट करेगा इस रेंज के अकॉर्डिंगली, और एक गेट का मेथड होगा जो आपने ग्रेड असाइन किया उसकी बेसिस पे लेटर ग्रेड जो है वो रिटर्न करेगा। जैसे हमने एम्प्लॉय की सैलरी वाला देखा तो उसी तरह आपने इम्प्लीमेंट करना है। और टाइम है आप लोगों के पास 10 मिनट्स का। मीनवाइल मैं भी यहीं पे ऑनलाइन हूँ, अगर आपको कोई क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप प्राइवेटली भी पूछ सकते हैं, और अगर अनम्यूट होके भी पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। टेन 10:55 हो रहे हैं, 11:05 तक का टाइम है आपके पास। You guys have 10 minutes. और भी लोग हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया तो उनको भी मैं दोबारा से बता दूं कि आपने ये एक टास्क है, ये टास्क करना है जो यहाँ स्लाइड पे मेंशन है। मेथड तो पब्लिक होने चाहिए ना, जब मेथड को भी प्राइवेट कर दोगे तो फिर तो वो भी एक्सेस नहीं हो सकेंगे, फिर फायदा क्या।
जी, बोनस एक्टिविटी है। ये जो स्लाइड पे मेंशन है, ये टास्क आपने इम्प्लीमेंट करना है। जिसकी एग्जांपल गिवन है, आपने इसका कोड राइट डाउन करना है। ये वैसे ही होगा जैसे मैंने अभी एम्प्लॉय और सैलरी वाला करवाया, ये इसी तरह ग्रेड के थ्रू होगा। ठीक है अब्दुल्ला, आपने सही सेंड किया, लेकिन जो सेट का मेथड आपने बनाया ना बेटा, सेट ग्रेड, इसमें भी जो है वो इफ की लॉजिक के थ्रू ही सेट होगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, एन इन बिटवीन 0 एंड 100 दैट माइट स्टोर अ ग्रेड इंस्टेंस वेरिएबल एज एन इन बिटवीन 0 एंड 100। तो यहाँ जो आपने सेट का मेथड लिखा है, अब्दुल्ला को रिस्पॉन्ड कर रही हूँ मैं, अब्दुल्ला का मैसेज आया मेरे पास, तो वहां पे जो गैप में मेथड दिया है वहां पे भी सेट वाले मेथड में भी इफ की स्टेटमेंट आएगी। बाकी सही है आपका। हाँ, रिमेनिंग क्लास ओनली 2 मिनट्स लेफ्ट। जी अब्दुल्ला, अनम्यूट कर रही हूँ मैं आपको। मैम वो स्टेटमेंट तो उधर वो आएगी ना ऊपर जो आएगी, तो उसमें इफ एल्स वाली आएगी कि अगर ग्रेटर देन 0 है, तो वो वाली स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं सेट में जो आएगी। जी, सेट के मेथड में, इफ की सेट। अच्छा वो मैं आपको लगा के भेजता हूँ। जी क्लास, अभी तक सिर्फ अब्दुल्ला ने सेंड किया है, बाकी रिमेनिंग स्टूडेंट्स।
ओके अब्दुल्ला, मच बेटर. बट यहाँ पे जो है वो लॉजिकल स्टेटमेंट आएगी, इफ ग्रेड इज ग्रेटर देन जीरो एंड एंड ग्रेड इज लेस देन इज इक्वल टू 100, क्योंकि पूरी रेंज है ना 0 एंड 100, सो ग्रेड ग्रेड शुड बी एंटर्ड बिटवीन 0 एंड 100. ठीक है, तुबा ने भी अटेम्प्ट किया है. तुबा अपनी क्लास को प्राइवेट क्यों रखा है? ग्रेड की क्लास प्राइवेट नहीं होगी. ठीक है, क्लास शुड नॉट बी प्राइवेट राइट नाउ. अभी हम नहीं देख रहे कि हम क्लास को प्राइवेट करेंगे. ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो आपने सेट का मेथड बनाया है उसमें भी आपने भी जो है वो 0 और 100 वाली जो रेंज है उसके अकॉर्डिंगली सेट नहीं करवाया. एनी हाउ क्लास, टाइम्स अप. सिर्फ दो स्टूडेंट ही सबमिट कर चुके हैं, अब्दुल्ला एंड टू बशेर. बेटा कर चुके हैं तो सेंड करें ना. 11:05 का टाइम था, 11:08 हो रहे हैं. प्रॉपर्टीज थोड़ी यूज करनी थी. प्रॉपर्टीज क्यों यूज किया फरकान? ठीक है, अमाद आपका ठीक है, लेकिन आपने भी जो है वो सेट के मेथड में 0 और 100 की रेंज नहीं दी. ओके, एनी हाउ हम कंटिन्यू करते हैं. तो जिन लोगों को बोनस मिला है उनमें अब्दुल्ला, तुबा शेख, हमार एंड फरकान. जबकि फरकान आपने प्रॉपर्टीज के थ्रू किया है, प्रॉपर्टीज भी यूज किया और मेथड भी. तो ये सिर्फ प्रॉपर्टीज के थ्रू, अभी मेथड के थ्रू करना था. प्रॉपर्टीज तो अभी हमने पढ़ी नहीं है. क्लास कंटिन्यू करते हैं. सो हाउ गेट सेट मेथड्स वर्क? गेट एंड सेट मेथड वर्क्स लाइक यू हैव प्राइवेट फील्ड नेम व्हिच इज डिफाइंड इनसाइड अ
क्लास, ठीक है, ये इस पिक्चर से भी हम इसको मैप कर सकते हैं. वी हैव अ प्राइवेट फील्ड नेम, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हम गेट नेम एंड सेट नेम के मेथड यूज कर रहे हैं आउटसाइड द क्लास. यानी कि ये हमारी क्लास है, क्लास के अंदर मैंने नेम की फील्ड डिफाइन की है. क्लास अब बोनस का आप कोई जिक्र मत कीजिएगा क्योंकि टाइम ओवर हो चुका है, इट्स 11:10. अब मैं जो पढ़ा रही हूँ अब उस पर फोकस करें. नहीं हमसे ये प्रॉपर्टीज के थ्रू नहीं होगा. ठीक है, जिन लोगों को मैंने बोनस दिया उनके नाम मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किन किन को बोनस मिला है. ठीक है, नाउ गेट एंड सेट मेथड्स किस तरीके से वर्क करते हैं. यू हैव अ प्राइवेट फील्ड सच एज नेम, और आउटसाइड द वर्ल्ड यू कैन नॉट एक्सेस इट डायरेक्टली. इसको एक्सेस करने के लिए यू कैन यूज अ शील्ड जिसको हम कह रहे हैं गेट नेम एंड सेट नेम के डिफरेंट मेथड के थ्रू आप उस नेम को एक्सेस कर सकते हैं. और जो आपके पास प्राइवेट इंस्टेंस वेरिएबल नेम इज हिडन, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये हिडन है, आप इसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते. आप इसको एक्सेस कर सकते हैं थ्रू लेयर जो कि गेट नेम और सेट नेम की लेयर है. और जो भी जो है वो कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्लाइंट है, वो अगर इस नेम को एक्सेस करना चाह रहा है, इंटरेक्ट करना चाह रहा है, तो वो कैसे कर सकता है? बाय कॉलिंग दिस पब्लिक मेथड, और दिस मेथड शुड बी पब्लिक. अगर आप इन मेथड्स को भी प्राइवेट कर देंगे तो अगेन फिर आप तो इन मेथड तक ही नहीं पहुंच सकेंगे, तो फिर नेम तक कैसे पहुंच सकेंगे? तो दिस मेथड शुड बी पब्लिक, और ये जो हमारे पास इनर कोड है इट शुड बी प्राइवेट. नाउ वी हैव प्रॉपर्टीज. अभी हमने मेथड देखे, मेथड से भी ज़्यादा फ्लेक्सिबल और एक कन्वीनियंट वे है जिसमें हम ज़्यादा बेटर वे में काम कर सकते हैं, विच इज़ कॉल्ड प्रॉपर्टीज. जो काम हम मेथड के थ्रू कर रहे हैं वही काम हम प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं, बट हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्टिव ये है कि वहाँ पे हम दो अलग मेथड बना रहे हैं, एक सेट का और एक गेट का. प्रॉपर्टी से थ्रू हम एक सिंगल प्रॉपर्टी बनाएंगे जिसका एक ही नाम होगा, और उसी प्रॉपर्टी के थ्रू हम सेट भी करवा सकते हैं और रिटर्न भी करवा सकते हैं. और जब हम आउटसाइड द क्लास एक्सेस करेंगे तो वही एक नेम जो प्रॉपर्टी का है वो हम एक्सेस करेंगे. सी शार्प प्रोवाइड्स अ मोर एलिगेंट सॉल्यूशन कॉल्ड प्रॉपर्टीज टू अकॉम्प्लिश द सेम टास्क एज सेट एंड गेट मेथड. जो काम हमारे सेट और गेट के मेथड कर रहे हैं, लेकिन हर काम दोनों काम के लिए हम अलग अलग मेथड बना रहे हैं, वही काम हम एक प्रॉपर्टी के थ्रू कर सकते हैं. अ प्रॉपर्टी इनकैप्सुलेट अ सेट एक्सेसर for storing a value into a variable and a get accessor for getting the value of a variable. एक ही property के अंदर हम get और set दोनों accessor को use कर सकते हैं. वो कैसे करेंगे वो हम उसका syntax देख लेते हैं. ठीक है, let's say I have a class account. मेरे पास एक account की class है और इसमें मेरे पास एक field है जिसको मैंने private रखा है. Class account private string name. अब मैं इस string name को आउटसाइड द दिस क्लास अकाउंट की क्लास के बाहर मैं इस नेम को डायरेक्ट एक्सेस नहीं करवा सकती. सो आई हैव टू ऑप्शंस, एदर आई विल यूज गेटर एंड सेटर मेथड जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एंड अनदर इज यूजिंग प्रॉपर्टीज. जो अब हम देखेंगे कि प्रॉपर्टीज क्या होती हैं. तो जब हम प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होते हैं तो प्रॉपर्टी आप कैसे यूज करते हैं? मैंने नेम वाली फील्ड जो इसको प्राइवेट रखा है इस पर प्रॉपर्टी लगानी है. तो इसकी डेटा टाइप क्या है? मेरे पास स्ट्रिंग है, तो मेरी प्रॉपर्टी क्या रिटर्न करेगी? स्ट्रिंग वैल्यू. ठीक है, तो सबसे पहले मेरे पास प्रॉपर्टी के लिए एक्सेस मॉडिफायर आएगा पब्लिक. देन जो वो प्रॉपर्टी रिटर्न करेगी जो डेटा टाइप, उस डेटा टाइप का नेम विच इज स्ट्रिंग, क्योंकि मैंने नेम के लिए प्रॉपर्टी बनानी है एंड नेम की डेटा टाइप इज स्ट्रिंग. सो मेरे पास प्रॉपर्टी की मैंने रिटर्न टाइप क्या रखी? स्ट्रिंग. और हम प्रेफर ये कर रहे होते हैं कि प्रॉपर्टी का नाम आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे आप वेरिएबल का नाम रखते हैं, बट रिकमेंडेशन इज दैट कि जो आपने जिस वेरिएबल के लिए आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं जैसे नेम, उसी नाम की आप प्रॉपर्टी रखें, बस फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल हो. जैसे मैंने इस नेम के लिए प्रॉपर्टी बनानी है तो मेरी प्रॉपर्टी का नेम शुड बी सेम ऑफ दिस वेरिएबल, बट द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी कैपिटल. सो पब्लिक स्ट्रिंग नेम. ठीक है, उसके बाद हमने प्रॉपर्टी की बॉडी को ओपन कर दिया. एक मेरे पास गेट मॉडिफायर होगा, एक मेरे पास सेट होगा. मैं सिर्फ गेट यूज करूंगी, गेट की बॉडी के अंदर रिटर्न नेम.
यानी कि ये जो नेम है ये रिटर्न हो जाए, और जब मैं सेट यूज करूंगी सेट नेम इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि इस प्रॉपर्टी के साथ यूजर जब वैल्यू सेट करेगा तो ये सेट वाला एक्सेसर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा, और जब इसको कहीं मैं प्रिंट के लिए कॉल करवाऊंगी तो फिर ये गेट पाथ के थ्रू काम करेगा। अब इसको मैं आपको इम्प्लीमेंट करके दिखा देती हूँ कि ये इम्प्लीमेंट कैसे होगी, कोड करके दिखा देती हूँ मैं आपको इसका। ठीक है, ये वही सैलरी वाला रखते हैं, ई सैलरी जहाँ हमने मेथड यूज किए हैं, इस मेथड्स को मैं अब हटा रही हूँ, मेथड की जगह मैं यूज कर रही हूँ प्रॉपर्टीज। ठीक है, ये मेरे पास क्लास है, ठीक है, एम्प्लॉय की क्लास है जिसमें मेरे पास एम्प्लॉय नंबर है जो कि पब्लिक है, स्ट्रिंग नेम है जो कि पब्लिक है, प्राइवेट क्या है ई सैलरी। तो इस ई सैलरी के लिए हम एक प्रॉपर्टी बना रहे हैं। प्रॉपर्टी कैसे बनेगी, सबसे पहले पब्लिक का कीवर्ड आएगा, देन जिस वेरिएबल के लिए मैं प्रॉपर्टी बना रही हूँ उसके रिटर्न टाइप, यहाँ पे फ्लोट है तो प्रॉपर्टी की रिटर्न टाइप भी फ्लोट होगी। ठीक है, और रिकमेंडेशन क्या है नेम रखने की, तो प्रॉपर्टी नेम शुड बी सेम ऑफ द वेरिएबल नेम बट द फर्स्ट कैरेक्टर शुड बी कैपिटल, और ये मेरे पास प्रॉपर्टी की बॉडी आ गई। सबसे पहले हम बॉडी बना लेते हैं ताकि हम ब्रैकेट स्पेस में आए। ठीक है, ये मेरे पास प्रॉपर्टी की बॉडी आ गई। इसके बाद मैं बनाऊंगी पहले सेट मॉडिफायर। सेट सेट के लिए मैं क्या कह रही हूँ कि वैल्यू सेट करनी है मुझे, ए सैलरी सेट कर दो, सेट की बॉडी ई सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि जब इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यूजर कोई वैल्यू देगा वो वैल्यू इस ई सैलरी में स्टोर हो जाए और ये सेट की बॉडी क्लोज हो जाए। सिमिलरली मैंने अब गेट करवाना है, तो ये मेरे पास गेट की बॉडी आ गई, और गेट की बॉडी में मैं क्या कह रही हूँ, रिटर्न ई सैलरी, यानी कि जो मेरा एक्चुअल वेरिएबल है इसको रिटर्न कर दो। सो मैंने एक ही प्रॉपर्टी ई सैलरी की, अलग अलग मेथड नहीं बनाने की जरूरत, मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई ई सैलरी और इस प्रॉपर्टी के साथ ही मैंने सेट और गेट एक्सेसर यूज कर दी। सेट वाला वैल्यू सेट करेगा, गेट वाला वैल्यू रिटर्न करेगा। अब ये प्रॉपर्टी वर्क कैसे करेगी, सिंपल प्रॉपर्टी क्लास में बनाई, अब इस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करेंगे आउटसाइड द क्लास थ्रू ऑब्जेक्ट नेम। ये सब मैं हटा देती हूँ यहाँ से। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कॉल कर रही हूँ इवन, यानी कि जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया था इस क्लास का, एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, नेम सेट कर दिया, नंबर सेट कर दिया, अब मैं कॉल कर रही हूँ इवन डॉट। तो इवन डॉट पे मुझे ये क्या दे रहा है, ये ई सैलरी की प्रॉपर्टी दे रहा है, देखिए ई सैलरी। Even dot e salary use करूंगी is equal to के साथ। अब इसी एक property को मैं दोनों way में use कर सकती हूँ for setting and getting। जब मैं value दूंगी, let's say मैं value दे रही हूँ 5000, तो ये इसका कौन सा accessor use करेगा, ये इसका set वाला accessor को automatically call कर देगा। So जब मैं even dot e salary कर रही हूँ is equal to तो ये property में जाएगा और जाके देखेगा कि इस प्रॉपर्टी में, इस जो प्रॉपर्टी में आया और जो मैंने वैल्यू दी 5000, वो वैल्यू कहाँ असाइन कर देगा, ई सैलरी में। तो जब मैं इज इक्वल टू करके वैल्यू असाइन करूंगी तो ये सेट वाला एक्सेसर को ऑटोमेटिकली कॉल कर देगा, और जब मैं कंसोल पर प्रिंट करवाऊंगी कंसोल डॉट राइट लाइन इवन डॉट, यानी कि उस ऑब्जेक्ट के नाम के साथ जो मैंने वैल्यू रखी थी ई सैलरी, सिंपली इसको कॉल कर रही हूँ, कोई वैल्यू नहीं दे रही, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा जो मैंने वैल्यू सेट करवाई 5000, इसने मुझे रिटर्न किया। तो प्रॉपर्टीज आर मोर कन्वीनियंट एज कम्पेयर टू मेथड्स। मैंने एक प्रॉपर्टी बनाई, एक सेट एक्सेसर बनाया, एक गेट एक्सेसर बनाया, सेट वैल्यू को सेट कर रहा है, गेट सिंपल रिटर्न कर रहा है, और इस प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कैसे करेंगे, ऑब्जेक्ट के नाम के साथ। इवन डॉट प्रॉपर्टी नेम जब वैल्यू दी तो ये ऑटोमेटिकली इसका सेट वाला एक्सेसर कॉल करेगा, और ई सैलरी की वैल्यू जो मेरे पास प्राइवेट फील्ड है ये वाली, इसकी वैल्यू क्या रख देगा 5000। और जब मैं कंसोल डॉट फाइल एंड इवन डॉट ई सैलरी कॉल कर रही हूँ, तो अब ये कॉल करते वक्त, यानी कि अब मैंने कोई वैल्यू असाइन नहीं की, तो ये फिर गेट वाला एक्सेसर कॉल करेगा और जो इसकी वैल्यू गेट कर देगा।
बेटा मैंने प्रॉपर्टी बनाई है, ऑब्वियस मेथड्स नहीं बनाए, अब हम मेथड्स पे काम नहीं कर रहे हैं, नाउ वी आर वर्किंग ऑन प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टी का सिंटेक्स है, पब्लिक का एक्सेस मॉडिफायर, रिटर्न टाइप, जिस फील्ड के लिए आप प्रॉपर्टी बना रहे हैं, ई सैलरी के लिए बना रहे हैं, इसकी डेटा टाइप रिटर्न टाइप फ्लोट है, इसलिए मैंने जो मेरी प्रॉपर्टी है उसकी रिटर्न टाइप भी फ्लोट रखी, क्योंकि मैं ई सैलरी को रिटर्न करवाऊंगी और ई सैलरी की रिटर्न टाइप फ्लोट है। और फिर नेम ऑफ ई सैलरी आ गया, प्रॉपर्टी का नेम रिकमेंडेड ये है, वैसे तो आप कुछ भी रख सकते हैं, जैसे जो वेरिएबल की नेमिंग कन्वेंशन है वो आप प्रॉपर्टी के नेम के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप जिस फील्ड के लिए प्रॉपर्टी बना रहे हैं प्रॉपर्टी का नेम उसी के इक्वल होना चाहिए, बट जो फर्स्ट कैरेक्टर है इट शुड बी कैपिटल, सो दैट आप इजिली आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक वेरिएबल है और ये एक प्रॉपर्टी है, ताकि डिस्टिंग्विश हो सके। और फिर इस प्रॉपर्टी की बॉडी आ गई, और प्रॉपर्टी के बॉडी के अंदर हम, ये मेरे पास प्रॉपर्टी की बॉडी है, और प्रॉपर्टी की बॉडी के अंदर हम सेट और गेट दोनों एक्सेसरी यूज करेंगे। सेट, सेट की बॉडी के अंदर ई सैलरी इज इक्वल टू वैल्यू, यानी कि यूजर जब इस प्रॉपर्टी के साथ कोई भी वैल्यू देगा इज इक्वल टू करके, तो वो वैल्यू ई सैलरी जो प्राइवेट फील्ड है, प्राइवेट वेरिएबल है, वहाँ स्टोर हो जाएगी। सिमिलरली अगर यूजर सिर्फ ई सैलरी को विदाउट एनी वैल्यू कॉल करेगा, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, गेट, और ये गेट क्या करेगा, रिटर्न करवा देगा ई सैलरी, मैंने जैसे यहाँ पे किया। जब मैं इवन डॉट ई सैलरी कॉल कर रही हूँ इज इक्वल टू के साथ, तो ये क्या करेगा, सेट वाला एक्सेसर यूज करेगा और 5000 की वैल्यू ई सैलरी के प्राइवेट वेरिएबल में स्टोर कर देगा। और जब मैं इवन डॉट ई सैलरी विदाउट एनी वैल्यू कॉल कर रही हूँ, तो ये क्या करेगा, रिटर्न वाला जो गेट वाला एक्सेसर है उसको ऑटोमेटिकली कॉल करेगा। तो प्रॉपर्टीज आर यूजली, हम उसको कह रहे थे कि स्पेशल फंक्शन भी कह सकते हैं, but these are not methods or function. जी क्लास क्लियर है यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन या कोई एम्बिगिटी तो नहीं है? इसी तरह आप प्रॉपर्टीज में भी जो है वो वैल्यू सेट करवा सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस इफ के थ्रू, सेट इफ, जैसे हमने वहां दिया था, आप यहाँ पे भी सेट में आए, इफ वैल्यू, यानी कि यूजर ने जो वैल्यू दी है इज ग्रेटर देन जीरो, एंड एंड बस यही होना चाहिए सैलरी के लिए कि वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। अगर वैल्यू जीरो से बड़ी है तो ही ई सैलरी की जो यूजर ने वैल्यू दी है वो ई सैलरी में रखो, नहीं तो क्या कर दो, एल्स कंसोल डॉट राइट लाइन, salary should be greater than zero, ठीक है। और ये इसी तरह फिर हम get पे क्या करेंगे, else, और ये set on हो गया get return salary, else set we get return salary, or your property manager. ठीक है, समझे क्या, रिटर्न कर दिया 5000, और अगर मैं इसको दूंगी जीरो, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, इसी तरह रिटर्न पे भी हम किस तरीके से करवा लेते हैं, गेट इफ ई सैलरी, अच्छा मीटिंग एंड हो जाएगी तो इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करेंगे, ई सैलरी इज ग्रेटर देन जीरो, अगर जो सैलरी यूजर दे रहा है, ई सैलरी जो है जो सेट हो चुकी है वो जीरो से बड़ी है, तभी ई सैलरी रिटर्न करो, नहीं तो एल्स में क्या दे दो, कंसोल डॉट राइट लाइन invalid, and I'm just going to enter it. Also, console.writeline. अच्छा हमें string return करवा रहे हैं तो हम इसको कर देते हैं
ठीक है, स्ट्रिंग रिटर्न कर रहे हैं ना, तो इनवैलिड। हाँ हाँ ये भी हो, और साथ में हम इसे कह देंगे ठीक है, सैलरी शुड बी ग्रेटर देन जीरो इनवैलिड। और वो जो हम रिटर्न करवा रहे हैं जीरो, तो उसी के बेसिस पे हमें जीरो करें, क्योंकि जरूरी है कि हमने रिटर्न टाइप मेंशन किया तो हमें कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना पड़ेगा। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर आप गेट पहले और सेट बाद में करते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। बस हम 15 मिनट्स इसको कंप्लीट करके एंड करते हैं। नेक्स्ट सेशन में थोड़ा सा 5 to 10 मिनट्स बढ़ा के फिर उसके बाद आपकी अटेंडेंस लेके हम 11:45 से पहले पहले एंड कर देंगे, होपफुली इंशाल्लाह। ठीक है, ये मीटिंग एंड हो जाती है, इसी सेम मीटिंग आईडी पे दोबारा ज्वाइन करते हैं, आपकी क्यूरीज लेते हैं और एक दो चीज़ें कुछ और समझानी है वो करके फिर वाइंड अप करते हैं क्लास। अच्छा क्लास, नेक्स्ट टाइम से जब क्लास हो रही है तो काइंडली आप अपनी विजुअल स्टूडियो पहले से ही जो है वो ओपन कर लिया करें, ताकि अगर मैं कोई टास्क दूँ या अगर मैं क्विज ले लेती अभी, तो फिर मेरा तो क्विज लेने का इरादा था।